सर कोई होता है जिसके पास हमारे मारवाड़ी में कहते हैं अर्जल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा घड़ा भरा होता है वो थलकता ही रहता है, लेकिन देव सर के पास वो नॉलेज नहीं है, पूरा डीप से डीप है, हमने कुछ भी पूछ ले वो हमें एक झटके में सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर बहुत बेस्ट है, बहुत डीप नॉलेज है, और जो उन्होंने अभी तक जितना भी सीखा है हमको फट फट पूरा हमारे दिमाग में डाल दे रहे हैं। खाली रिव्यू देखा हो, रिव्यू के आधार पर बच्चा आता है? हाँ सर, हम भी रिव्यू के आधार से आए हैं सर। तो किसी प्रकार का कोई फेक रिव्यू है? नहीं सर, जो रियलिटी है वो रियलिटी है ना, रियलिटी है रियलिटी। सर लोग पूरा मेहनत करते हैं, जो जो सर को पूछता है पूछता डिटेल्स बताते हैं, जब तक क्लियर नहीं तो तब तक सर लोग नहीं छोड़ते सर। मैं खाली आसाम से नहीं, नोटिस भी मैं विलंब करता हूँ सर। नोटिस के कोई भी चाहता आने के लिए वो बेझिझक आ सकता है, इस प्रकार मन में शंका न रखे, कॉन्टेक्ट कीजिए, आ जाइए। देखते हैं दोबारा से आई थिंक कल उन्होंने लगाया है, कैसा लग रहा है साबिर जी? सर बहुत बिंदास लग रहा है। बिंदास लग रहा है? एक बात बताइए कि जो आपने आईसी निकाल के लगाया है, बस आप ही निकाल के लगा सकते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट निकाल के लगाए? कैसा लग रहा है अभी आपको? सर ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हुआ कि नहीं हुआ? बहुत हाई हो गया। अब आपके पास किसी भी तरीके का ग्राफिक सेक्शन का कोई सा भी फॉल्ट आ जाए, भले ही वो लाइन सीपीयू से आ रहा हो, तो आप रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, कर पाएंगे बिल्कुल। कौन सी लाइन सीपीयू से आती है, कौन सा ग्राफिक आईसी से आता है, ये सारी चीज़ें पता चली? हाँ बिल्कुल सर, सारी लाइन पता लग गई, कौन सी सीपीयू आती है, कौन सी हमारी ग्राफिक्स आईसी से आती है और कौन सी हमारी पीएमआईसी से आती है, सारी लाइन हमें पीएमआई का सर्किट, पीएमएल का सर्किट, ये सर सारी चीज़ें बताई है आपको सबका। क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको देख के कोई ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता हो उसके लिए? क्या बिल्कुल आए, अच्छे लेवल का काम सीखना है तो जरूर आए ऐसे टेलीकॉम। मैंने मेरा नाम भी लिखा है नीचे और इसे टेलीफोन पे देखो, एक क्लैपिंग करो भाई राहुल के लिए यार। लाइव को देख रहे होंगे तो वाकई में बहुत खुश होंगे। सर हम खुद उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा डीप लेवल तक समझाया, हमने सोचा नहीं था कि जब हम क्लास में आए थे कल सर ने कहा था कि ग्राफिक क्लास होगा, तो हमको लगा बहुत डीप लेवल तक होगा, फिर सर ने हमको समझाया, उससे आसान तरीके से समझा गया कि 10 मिनट में हम बता सकते हैं ग्राफिक्स में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा कंपोनेंट प्रॉब्लम है, क्या आईसी प्रॉब्लम है। राहुल इस नॉलेज की बात खाली गुरु कर रहे हो कि मतलब पूरी क्लास नहीं, सबको हर रोज किसी ना किसी को एक छोटा मोटा डाउट रहता है, लेकिन आज तो कोई डाउट ही नहीं रहा। ग्राफिक सेक्शन कैसा लगा? बहुत शानदार लगा। किसके द्वारा मिला आपको? देव सर के द्वारा। तो एक क्लैपिंग मिलती है देव सर के लिए। एक पर्सनल एक्सपीरियंस देव सर के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर कोई होता है जिसके पास हमारे मारवाड़ी में कहते हैं अर्जल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा घड़ा भरा होता है वो थलकता ही रहता है, लेकिन देव सर के पास वो नॉलेज नहीं है, पूरा डीप से डीप है, हमने कुछ भी पूछ ले वो हमें एक झटके में सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर बहुत बेस्ट है, बहुत डीप नॉलेज है, और जो उन्होंने अभी तक जितना भी सीखा है हमको फट फट पूरा हमारे दिमाग में डाल दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यस सर, सर बेस्ट, आई लव यू। थैंक यू। उसी दिन उसका प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल में आपने आईसी उठा के पैड लाइन चेक किया कि नहीं किया? उसका स्कीमेटिक डायग्राम बनाया जी, मिला इसके किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको? पूरा जीआर चेक किया, वोल्टेज चेक किया, जीआर चेक किया, वोल्टेज चेक किया, सब बराबर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। मैं यूं बोल दूं कि ऐसा टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल? यस सर, पैसा वसूल है। यस सर, तुम्हारा पैसा वसूल हुआ? यस सर। चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। हाँ, मैं लखन बुंदेला इंदौर से हूँ। हाँ, देव सर के साथ डिस्प्ले ग्राफिक्स की क्लास थी जी। उसमें सर डिस्प्ले कनेक्टर को देख के ही मतलब पता चलता है कि कहाँ कहाँ कौन सी लाइन जाएगी और डिस्प्ले में कौन कौन से सीपीयू वाइज पढ़ाया गया, उसको सब पीएमआई 63 उससे पूरे डिटेल के बारे में बताया गया, और 15 वोल्ट की आईसी भी रहती है उसकी डिटेल सारी बताई गई और बिल्कुल डीप लेवल में पढ़ाया, और बिल्कुल डिस्प्ले का कनेक्टर देखते ही सारी ग्राफिक्स उसमें याद आता है कि कहाँ कहाँ कौन सी लाइन जाएगी और सारा कुछ सब डिटेल में बताया सर ने। मेरा नाम अनमोल है, छत्तीसगढ़ राजनगर से हूँ। हमारी सुबह क्लास थी ग्राफिक्स की। हाँ, तो ग्राफिक्स में हमें पूरी हुई एक एक सप्लाई या वोल्टेज सबकी जानकारी दी गई, उसका डाटा शीट तैयार किया गया, उसके बाद में हम लैब में आए, उसी का फिर प्रैक्टिकल किए, आईसी उठाए, आईसी का डाटा शीट पूरा वोल्टेज जीआर सब चेक किए हम लोग प्रैक्टिकल। आप आईसी उठा के डाटा शीट पूरी बनाई आपने? एक एक चीज़ का वोल्टेज का जीआर का पूरा मेजरमेंट है आपके हाथ में? जी सर, इनपुट आउटपुट सब। अच्छा, तो अनमोल ये खाली तुमने करा कि पूरी क्लास ने किया? चालू हैंडसेट से आईसी निकाल के वापस लगाया, पेड लाइन चेक करा, ग्राफिक चेक करा उसके अंदर, और अगर सारे फॉर्मेट बताए गए आपको ग्राफिक्स के, किसी भी फॉर्मेट में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? जी बना पाएंगे,
मैं अकेले नहीं किया, पूरी क्लास ने, सभी ने वर्क। स्टूडेंट है, मेरा नाम मोंटी है, मैं दिल्ली से हूँ। आज देव सर के साथ क्लास थी हमारी, ब्लैंक डिस्प्ले और ब्लू लाइट डिस्प्ले, ठीक है। उसका पूरा प्रॉपर तरीके से ग्राफिक्स सर ने समझाया, ग्राफिक आईसी कहाँ पे चाननी है, कौन से डाइट से कितनी सप्लाई आती है, कौन से कंपोनेंट से कितनी सप्लाई, सर प्रॉपर तरीके से। आपको ये नॉलेज हुआ कि कब आपको सीपीयू पे काम करना है, कब पावर पे काम करना है, कब डीसी टू डीसी आईसी पे काम करना है, कब आपको ग्राफिक्स पे काम करना है, एक एक चीज की जानकारी आपके पास, हर चीज के जीआर वोल्टेज और आपको फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कितनी आना चाहिए ये भी मालूम है आपको, सब कुछ मालूम है। सारे वही के कॉन्सेप्ट सारे वही क्लियर हो गए थे? यस, सारे वही क्लियर हो गए थे हमारे। और प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास में हमने उसे आईसी को उतार के उसकी बोले के लिए उसे बनाया, तो आज उन्होंने हमें सिखाया कहाँ से कौन सा कनेक्टर से कहाँ से कितना वोल्टेज आता है, पावर आईसी में कितना वोल्टेज आता है, ये सब सर ने सिखाया। और कोई ऐसा फॉर्मेट बचा है क्या, ऐसा कोई आपके पास सीपीयू बचा है कि उस सीपीयू पे आपको बताया नहीं? नहीं सर, ऑल सीपीयू पे बताया आपको? ऑल सीपीयू पे बताया सर। ऑल सीपीयू में आपको कितना समझ में आया ये बताइए? पूरा समझ में आया, पांच लाख देव सर के साथ डिस्प्ले और ग्राफिक्स का था और बहुत मतलब एक एक पॉइंट इतना इजी तरह से सिखाया कि सब कुछ मतलब इजी हो गया। मैं मोहम्मद हुसैन लश्कर आसाम से। हाँ मोहम्मद हुसैन, बताइए अपना ग्राफिक्स बना कि नहीं बना? आज हमारा पूरा डिस्प्ले का ग्राफिक्स बना लिया आपने। प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमको। अच्छा, पूरी तरीके से हमको समझ एक एक चीज़ समझ में आ गई आपको? सारे फॉर्मेट में, जितने भी फॉर्मेट में आपका ग्राफिक्स आता, सारे चीज़ समझ में आया आपको? यस। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम मोहम्मद अफजल रजा है, मैं बिहार से। जी अफजल रजा, बताइए। जी सर, आज जो देव सर के साथ क्लास हुई वो बहुत ग्राफिक सेक्शन के बारे में बताया गया, बहुत डीपली बताया गया सर ने, और सीपी वाइज उसको बताया गया। अच्छा, तो ये एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं आपके हाथ में? आज जो अभी शाम की क्लास में लेके जा रहे हो, सवेरे फ्रेश से बैठे थे, आज कितना लेके जा रहे हो ग्राफिक्स में, कितना लेके जा रहे हो? बहुत ज्यादा। तो एंडलेस सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? सर पूरा मिला, पूरा मिला एंडलेस सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे आपने फिर प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में आईसी को निकाल के आईसी प्लेट को चेक किया, कहाँ कहाँ से जी आ रहा है, वोल्टेज आ रहे हैं, उसको चेक किया, उसके बाद डाटा सेट बनाया, उसके बाद फिर जाके उसको। अच्छा, आज ग्राफिक्स आईसी एक क्लास थी जी देव सर के साथ। अच्छा, तो ग्राफिक्स आईसी में किस लेवल से पढ़ाया? जी लेवल से पढ़ाया सर। और ऑल मॉडल? ऑल मॉडल बोले तो ऑल सीपीयू? ऑल सीपीयू पढ़ा आपने? यस सर। इसका पूरा सेक्शन डीपली सर ने बताया, ग्राफिक सेक्शन में क्या क्या आता है, ट्रेसिंग की उसकी, पूरा डिटेल में नॉलेज दिया सर। सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया। मनोज, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? यस सर, पूरा समझ में आया। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्र। क्या नाम है आपका? इनाम साबिर। साबिर जी कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड हरिद्वार से। आज आपकी किस चीज की क्लास थी? हमारी ग्राफिक्स की क्लास थी। ग्राफिक्स की क्लास थी। तो आज मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ग्राफिक का जो क्लास हुआ है आपका, कि कौन कौन से सीपीयू पे क्लास हुआ है? सर सब सारे सीपीयू पे, सारे सीपीयू पे, क्वालकॉम सब पे, ये सब सारे सीपीयू पे हुआ है। सीपीयू आप अभी तक देखे हैं? सीपीयू यहाँ यहाँ जो काम होता है वो सीपीयू वाइज होता है, ना कि मोबाइल वाइज होता है। तो साबिर जी, अगर मैं बात करूँ आपसे कि किसमें डेडिकेटेड आईसी होंगी, किसमें नहीं होंगी, किसमें आपको मिल सकती, किसमें नहीं मिल सकती, ये सब सारी चीज़ें सब इन्फॉर्मेशन सर ने हमको दी है। और जो सर बोलते हैं कि आपको डिस्प्ले कनेक्टर का या फिर फोन के बोर्ड को देखने का नजरिया बदल देंगे? हाँ बिल्कुल बदल देते हैं। वो बदला कि नहीं बदला? आज अभी तक डिस्प्ले का जो आपका जैक था वो आप किस तरीके से देखते हैं और आज क्लास होने के बाद आप किस तरीके से देखे हैं, जरा बताइए। सर बस आज तो मजा आ गया ग्राफिक्स सेक्शन में। आज डिस्प्ले कनेक्टर देखने का, पहले तो आपको लगता था कितने पिन है, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? सर बिल्कुल सिंपल स्टेप में उन्होंने बताया कि क्या क्या हमको चेक करना है और कौन सी लाइन हमारी सीपीयू में जाती है, कौन सी हमारी ग्राफिक्स आईसी में जाती है, कौन सी हमारी पीएमआईसी में जाती है, सारी डिटेल में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। सारी डिटेल्स में क्या करने जा रहे हैं सर? ये रेडमी 5 है, इसका
ग्राफिक्स आई सी निकालेंगे और एक एक हमें चेक करेंगे उसके बाद। कितनी बॉल की आईसी लगी हुई है इसमें? 15 बॉल की आईसी। 15 बॉल की अगर आईसी लगे तो आपको 15 बॉल का नॉलेज है yes, कि एक एक बॉल किस काम के लिए है, कौन सा बॉल सीपीयू से आ रहा है, कौन सा पावर से आ रहा है। yes, sir, बिल्कुल है yes, sir। और जरा इसका ग्राफिक दिखा दीजिए आप, देख सकते हैं इस फोन में ग्राफिक आ रहा है और टच भी चला के दिखा रहे हैं। तो भी आप इसमें ग्राफिक आईसी निकाल के दिखाने वाले हैं ना? यस सर। और आपने जीआर भी बनाया है मेरे ख्याल से? क्या आपने जीआर सीट जो बनाया है डिस्प्ले जैक का, वो भी दिखा दीजिए। कौन से फोन का बनाया आपने? ये रेडमी Y2 है। ये Y2 का आपने जीआर सीट बनाया है? अगली बार से अगर कोई Y2 का डिस्प्ले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गया तो क्या आप तो ये आप खोल के इसको देख पाएंगे, बता पाएंगे कि कौन सा लाइन? ये बनाते बनाते इतना माइंड में बैठ गया कि खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। अच्छा, चलिए ठीक है। तो फिर आप इसका आईसी निकालिए। कैसा लग रहा है साबिर जी? सर बहुत बिंदास लग रहा है। बिंदास लग रहा है? एक बात बताइए कि ये जो आपने आईसी निकाल के लगाया है, बस आप ही निकाल के लगा सकते हैं कि आपके जितने भी स्टूडेंट सब स्टूडेंट निकाल के लगाए? कैसा लग रहा है अभी आपको? सर कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप हुआ कि नहीं? बहुत हाई हो गया। अब आपके पास किसी भी तरीके का ग्राफिक सेक्शन का कोई सा भी फॉल्ट आ जाए, भले ही वो लाइन सीपीयू से आ रहा हो, तो आप रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं? हाँ, कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कर पाएंगे? बिल्कुल। कौन सी लाइन सीपीयू से आती है, कौन सा ग्राफिक आईसी से आता है, ये सारी चीज़ें पता चली? हाँ बिल्कुल सर, सारी लाइन पता लग गई, कौन सी सीपीयू आती है, कौन सी हमारी ग्राफिक्स आईसी से आती है और कौन सी हमारी पीएमआईसी से आती है, सारी लाइन होगा हमें। पीएमआई का सर्किट, पीएमएल का सर्किट, ये सर सारी चीज़ें बताइए आपको सबका। क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको देख के कोई ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहता हूँ उसके लिए? बिल्कुल आए, अच्छे लेवल का काम सीखना है तो जरूर आए ऐसे टेलीकॉम।
होता जब तक एक एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आ जाता। ग्राफिक सेक्शन किस किस को समझ में आया? सबको आया? यस सर। सबको आया? क्लियर है सबका? वो भले ही आपका 15 वोल्ट का हो, BMI का हो, BMI का हो, कोई सा भी सर्किट हो, 63P का हो, आप कर लेंगे ना? Yes, sir! और आज ग्राफिक और डिस्प्ले सेक्शन था और देव सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत डीपली पढ़ाया। तो सारे CPU को पढ़ा आपने? सारे CPU किसी प्रकार का कोई कांसेप्ट? कोई कांसेप्ट नहीं, मतलब कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम आपको समझने में? प्रॉब्लम समझने में भी कोई? किस लेवल से समझा आपने? एकदम प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया आपने? प्रैक्टिकल किया, जो वहाँ पे थ्योरी पढ़ाए वहाँ से आके प्रैक्टिकल किया तुरंत, मतलब जितना सर खाली थ्योरी पढ़ाते कि प्रैक्टिकल भी करवाते? प्रैक्टिकल भी करवाते क्योंकि तुरंत मोबाइल का करवाते और मोबाइल का। मोबाइल जो सेक्शन होता है किसी कोई सा भी फॉर्मेट छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते सर। नहीं छोड़ते? नहीं, पर डे का प्रैक्टिकल किया? उसका प्रैक्टिकल पर डे होता है, एक दिन मतलब जो थ्योरी सुबह होगी शाम को प्रैक्टिकल होगा, ये नहीं कि कल दूसरे दिन होगा प्रैक्टिकल। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। मैं लोग लखन बुंदेला इंदौर से हूँ। हाँ, देव सर के साथ डिस्प्ले ग्राफिक्स की क्लास थी, उसमें सर डिस्प्ले कनेक्टर को देख के ही मतलब पता चलता है कि कहाँ कहाँ कौन सी लाइन जाएगी। अच्छा। और डिस्प्ले में कौन कौन से CPU वाइज पढ़ाया गया उसको सब PMI 63 उससे पूरे डिटेल के बारे में बताया गया, और 15 वोल्ट की IC भी रहती है उसकी डिटेल सारी बताई गई और बिल्कुल डीप लेवल में पढ़ाया, और बिल्कुल डिस्प्ले का कनेक्टर देखते ही सारी ग्राफिक्स उसमें याद आता है कि कहाँ कहाँ कौन सी लाइन जाएगी और सारा कुछ सब डिटेल में बताया सर ने। कल्याण से मेरा नाम अरफाज है जी। आज देव सर ने हमको ग्राफिक IC का बताया पूरा जी, और डिस्प्ले कनेक्टर को अभी हम देखते ही 50% पहचान सकते हैं कि इसमें कितने क्या है, जो भी कैपेसिटर वगैरह जो भी है, और बाकी हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेसिंग करके पहचान सकते हैं। दुनिया का कोई सा भी आपके सामने ग्राफिक सेक्शन रख दे तो आपको दिक्कत होगी क्या? नहीं सर, पहचान लेंगे। पहचान लेंगे? हाँ सर, एक एक लाइनों को पहचान लेंगे। हाँ सर, सीपीयू आप पूरा पहचान सकते हैं। स्टूडेंट है? मेरा नाम मोंटी है, मैं दिल्ली से हूँ। आज देव सर के साथ क्लास थी हमारी, ब्लैंक डिस्प्ले और ब्लू लाइट डिस्प्ले, ठीक है, इसका पूरा प्रॉपर तरीके से ग्राफिक्स सर ने समझाया, ग्राफिक IC कहाँ पहचाननी है, कौन से डैट से कितनी सप्लाई आती है, कौन से कंपोनेंट से कितनी सप्लाई, सर प्रॉपर तरीके से। तो आपको ये नॉलेज हुआ कि कब आपको CPU पे काम करना है, कब पावर पे काम करना है, कब DC to DC IC पे काम करना है, कब आपको ग्राफिक्स पे काम करना है, एक एक चीज की जानकारी आपके पास, हर चीज के GR वोल्टेज और आपको फ्रीक्वेंसी कहाँ पे कितनी आना चाहिए ये भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। सारे वही के कॉन्सेप्ट सारे वही क्लियर हो गए थे? यस, सारे वही क्लियर हो गए थे। और प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में हमने उसे IC को उतार के उसकी बॉडी के लिए उसे बनाया, रिबॉन करके वापस आपने फिर से बनाया, बेड लाइन पूरी उसकी बनाई आपने और उसका स्कीमेटिक डायग्राम आपकी कॉपी पे नोट है? यस सर, नोट है। अगर मैं देखना चाहूँ तो दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर, दिखा सकते। चलिए ठीक है। मैं हमें सिखाया कहाँ पे कितना वोल्टेज है, देव सर के साथ जी। तो आज उन्होंने हमें सिखाया कहाँ से कौन सा कनेक्टर से कहाँ से कितना वोल्टेज आता है, पावर IC में कितना वोल्टेज आता है, ये सब सर ने सिखाया। और कोई ऐसा फॉर्मेट बचा है क्या, ऐसा कोई कोई आपके पास CPU बचा है कि उस CPU पे आपको बताया नहीं? नहीं सर, ऑल CPU पे बताया आपको? ऑल CPU पे बताया सर। ऑल CPU में आपको कितना समझ में आया ये बताइए? पूरा समझ में आया हमको, पावर सेक्शन से कौन सा पावर निकलता है और ग्राफिक सेक्शन से कौन सा पावर निकलता है और आपको CPU से कौन सा पावर निकल सिखाया, लाइन सिखाया सर ने सिखाया। हम लोग को एक MIPI के बारे में सिखाया जो CPU से निकलता है और एक 1.8 वोल्ट निकलता है वो भी बताया सर ने, और 5 - 5 + 5 की वो लाइन भी बताया सर ने। सर रिव्यू देखा सर, हमने रिव्यू के आधार से आया सर, तो किसी प्रकार का कोई फेक रिव्यू है? सर लोग पूरा मेहनत करते हैं, जो जो सर को पूछता है पूछता डिटेल्स बताते हैं, जब तक क्लियर नहीं था तब तक सर लोग नहीं छोड़ते थे। तो मैं खाली आसाम से नहीं, नोटिस भी मैं विलम्ब करता हूँ सारा नोटिस का, कोई भी चाहता आने के लिए वो बेझिझक आ सकता है, किस तरह को मन में शंका न रखे, कॉन्टेक्ट कीजिए, आ जाइए। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम मोहम्मद अफजल रजा है, मैं बिहार से हूँ सर। जी अफजल रजा, बताइए। जी सर, आज जो देव सर के साथ क्लास हुई वो बहुत ग्राफिक सेक्शन के बारे में बताया गया और बहुत डीपली बताया गया सर ने, और CPU वाइज उसको बताया गया। अच्छा, तो ये एंडलेस सॉल्यूशन है कि नहीं आपके हाथ में? आज जो अभी शाम की क्लास में लेके जा रहे हो, सवेरे फ्रेश से बैठे थे, आज कितना लेके जा रहे हो ग्राफिक्स में, कितना लेके जा रहे हो? बहुत ज्यादा। तो एंडलेस सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? सर पूरा मिला, पूरा मिला एंडलेस सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे आपने फिर प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया? प्रैक्टिकल क्लास में IC को निकाल के IC पैड को चेक किया, कहाँ कहाँ से ZR आ रहा है, वोल्टेज आ रहे हैं, उसको चेक किया, उसके बाद डाटा शीट बनाया, उसके बाद फिर डीप लेवल से पढ़ाया। डीप लेवल से पढ़ाया, डीप लेवल के बाद में आपने ये प्रैक्टिकल क्लास में आके क्या किया? डीप यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास में क्या किया?
सर उसको निकाल के पूरा टेस्टिंग किया। आईसी को संबंधित आईसी को ग्राफिक्स आईसी को आपने निकाला, डेटा शीट बनी, पूरा ट्रेस किया आपने, बीच में क्या कंपोनेंट मिल रहा है आपने वो भी देखा है ना, वोल्टेज का मेजरमेंट लिया आपने, तो ये प्रो लेवल का काम है। अभी कोई सा भी फॉर्मेट में अगर ग्राफिक्स आ जाता है आपको तो सेट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? बन पाएगा। फेक रिव्यू तो नहीं दे रहा इंदौर में? तो इंदौर में कोई नहीं सर, नहीं किसी प्रकार का फेक रिव्यू तो नहीं दे रहा हर? अच्छा, आज ग्राफिक्स आई सी की क्लास थी जी देव सर के साथ। अच्छा, तो ग्राफिक्स आईसी में किस लेवल से पढ़ाया? डीप लेवल से पढ़ाया था। ऑल मॉडल? ऑल मॉडल। ऑल मॉडल बोले तो ऑल सीपीयू? ऑल सीपीयू भाई। ऑल सीपीयू पढ़ा आपने? यस सर। आपका पूरा सेक्शन डीपली सर ने बताया, ग्राफिक्स सेक्शन में क्या क्या आता है, ट्रेसिंग की उसकी पूरा डिटेल में नॉलेज दिया सर। सर ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया। मनोज, तुम्हारी समझ में आया कि नहीं? यस सर, पूरा समझ में आया। आज जब सर के साथ डिस्प्ले और ग्राफिक्स आईसी क्लास था, और डिस्प्ले आईसी और ग्राफिक्स आईसी का सारे डिटेल्स समझाया सर। तो सर ने बहुत अच्छा समझाया। आपको कितना समझ में आया? तो आपने जो प्रैक्टिकल क्लास में आया, आपने सर ने बहुत बढ़िया बताया, तो सर आप जब प्रैक्टिकल क्लास में आए तो प्रैक्टिकल क्लास में आके आपने क्या किया? प्रैक्टिकल 100% समझा। हमारा हमारा ग्राफिक सेक्शन था जी, और ऑलमोस्ट सभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए सर ने। पूरे क्लियर? पूरे क्लियर। तो ये बताओ मेरे को कि सर ने आपको किस लेवल से पढ़ाया? बढ़िया, प्रो लेवल से पढ़ाया। प्रो लेवल से पढ़ाया। कोई सा ऐसा है कि जो फॉर्मेट छूटा हो? नहीं सर, कोई सा भी फॉर्मेट छूटा हो? सीपीयू से लेकर सर कनेक्टर तक पूरा हर चीज का नॉलेज है आपको? पूरा सर। दोनों लोग आ जाइए। मैं बात करूँ स्कीमेटिक की, बात करूँ मैं डिस्प्ले सेक्शन की, और बात करूँ ट्रेसिंग की, ट्रेसिंग के बाद जितने भी फॉर्मेट का आईसी आती है वो सारा का सारा पूरा सर पूरा क्लियर है। अभी आपने इस क्लास में जो प्रैक्टिकल होता है आपका 5 से रात को 8 बजे तक जो क्लास होती है, 10 बज गया। प्रैक्टिकल में क्या किया आपने यहाँ पर? प्रैक्टिकल में आईसी निकाले, उसके पैड से पैड लाइन बना दी सर, उसके बाद लगाया, मोबाइल चालू हुआ, डबल चालू हो गया, तो आपको पूर्ण रूप से पूरा समझ पूरा समझ में आएगा सर, एंडलेस समझ में आया। हमारा क्लास डेप सर के साथ डिस्प्ले और ग्राफिक्स का था, और बहुत मतलब एक एक पॉइंट इतना इजी तरह से सीखा कि सब कुछ मतलब इजी हो गया। तो प्रैक्टिकल को किस लेवल से करा सर? एंडलेस लेवल पे करा आपने। तो आपने आईसी को उठा के पेड लाइन चेक करी आपने? आईसी उठा के पेड लाइन बना के स्कीमेटिक डायग्राम बनाया आपने? आपको सारे वोल्टेज मिले जो आपको जरूरी वोल्टेज चाहिए? जो जो चाहिए था सर वो सब सारे मिले। सेक्शन आता है तो आपको बनाने में सक्षम हुए कि नहीं? यस सर, बना लेंगे आप? यस सर, बना लेंगे। आपको हर चीज़ का मेजरमेंट है आपके पास? यस सर, है ना, वोल्टेज का, फ्रिक्वेंसी का और जीआर का पूरा मेजरमेंट है आपके पास। और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये खाली बात तुम्हारी कर रहे हो पूरी क्लास के बाद? पूरी क्लास की सर। तो आपने प्रैक्टिकल क्लास में किस क्या किया आपने यहाँ पर? प्रैक्टिकल क्लास में जो पढ़ाया गया वही प्रैक्टिकल में, वही प्रैक्टिकल क्लास में, वही आपको यही प्रैक्टिकल क्लास में भी वही मिला। मेरा नाम राहुल है, मैं राजस्थान के जोधपुर से हूँ जी। आज हमारा देव सर के साथ क्लास था, उसमें ग्राफिक्स के बारे में हमने सर ने हमको समझाया और डीप से डीप लेवल तक समझाया और हम सबको समझ में भी आया। तो राहुल जी, तुम तुम्हारी खाली बात करोगे पूरी क्लास? नहीं सर, पूरी क्लास की बात। पूरी क्लास की बात सर। कैसा लग रहा है सब? शानदार लगा सर। अभी प्रैक्टिकल क्लास में कितनी आईसी उठा के आपने डायग्नोस्ट किया? मैंने 2 का किया है और 1 का मैं साथ में भी लेके आया हूँ, ताकि दुनिया जनता को भी लगे कि हाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे खुद का बनाया हुआ है और मैंने खुद ने बनाया है। मैंने मेरा नाम भी लिखा है नीचे और इसी तरीके से थैंक यू लिखा है। देखो, एक क्लेमिंग करो भाई राहुल के लिए यार। लाइव को देख रहे होंगे तो वाकई में बहुत खुश होंगे। सर, हम खुद उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा डीप लेवल तक समझाया। हमने सोचा नहीं था कि जब हम क्लास में आए थे कल, सर ने कहा था कि ग्राफिक क्लास होगा, तो हमको लगा बहुत आईसी डीप लेवल तक होगा। सर ने हमको समझाया, उससे आसान तरीके से समझा गया कि 10 मिनट में हम बता सकते हैं ग्राफिक्स में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा कंपोनेंट प्रॉब्लम है, क्या आईसी प्रॉब्लम है। राहुल, इस नॉलेज की बात खाली तुम कर रहे हो कि मतलब पूरी क्लास नहीं, की बात सबको हर रोज किसी ना किसी को एक छोटा मोटा डाउट होता है, लेकिन आज तो कोई डाउट ही नहीं रहा। ग्राफिक्स सेक्शन कैसा लगा? बहुत शानदार लगा। किसके द्वारा मिला आपको? देव सर के द्वारा। तो एक क्लैपिंग बनती है देव सर के लिए। एक पर्सनल एक्सपीरियंस देव सर के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सर,
कोई होता है जिसके पास हमारे मारवाड़ी में कहते हैं अर्ध जल गगरी छलक जाए, मतलब आधा घड़ा भरा होता है वो थलकता ही रहता है, लेकिन देव सर के पास वो नॉलेज नहीं है, पूरा डीप से डीप है, हमने कुछ भी पूछ लें वो हमें एक झटके में सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर बहुत बेस्ट है, बहुत डीप नॉलेज है, और जो उन्होंने अभी तक जितना भी सीखा है हमको फटफट फटफट पूरा हमारे दिमाग में डाल दे रहे हैं।